हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं, महात्मा गांधी। तो हम सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे कि इनके पिता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम क्या था, मोहनचंद करमचंद गांधी कितने भाई बहन थे, इनके पुत्र, इनका मतलब पूरा वंशावली की बात करें, आप इनकी फैमिली ट्री क्या है, तो इस फैमिली ट्री को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं महात्मा गांधी, आप इनसे भलीभांत परिचित होंगे। अगर आप इनको नहीं जानते तो जानने की कोशिश करें और इनको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। इनके बारे में तो हम जानते हैं करमचंद उत्तम चंद गांधी इनके पिता का नाम था। तो मोहनचंद, पूछा जाए आपसे कभी कि मोहनचंद करमचंद गांधी के पिता का नाम क्या था, तो पिता रहे जो थे करमचंद उत्तम चंद गांधी, और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। कई बार ये क्वेश्चन आपको इस कमीशन जो है एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, या आपकी बेसिक नॉलेज में कभी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपसे बता दें। और हम बात करेंगे जो है मोहनचंद करमचंद गांधी, तो इनका मोहनदास जो करमचंद थे, तो देखेंगे कि मोहनदास करमचंद गांधी हैं, बापू थे, इन्हें बापू से बोलते हैं, इन्हें राष्ट्रपिता किसने बोला था, इन्हें बापू की किसने उपाधि दी थी, ये अलग अलग बात है, लेकिन दोनों चीज़ें बापू और राष्ट्रपिता एक ही बात है। इन्हें बापू भी बोला जाता है और राष्ट्रपिता भी बोला जाता है। आप देखेंगे कि इनके और भी भाई थे, किनके, जो करमचंद उत्तम चंद गांधी थे, इनके लड़कों का नाम, अगर इनके बेटों का नाम जानने लें, इनके जो कितने पुत्र पुत्री थे, तो पहला नाम आता है मोहन दास करमचंद गांधी, बापू राष्ट्रपिता, इनसे आप भली बात परिचित होंगे। लेकिन आप इनके कितने भाई बहन थे तो उनमें देखने की कोशिश करेंगे। तो लक्ष्मी दास करमचंद गांधी इनके भाई का नाम था, दूसरे भाई का नाम था करमदास, जो है करसन दास करमचंद गांधी, और इनकी एक बहन थी जिनका नाम था रालिथा बहन करमचंद गांधी। तो कभी पूछा जाए कि मोहनचंद करमचंद गांधी कितने भाई बहन थे, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि मोहनचंद करमचंद के कितने भाई थे, या के बहन का नाम बताइए तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनालिटी दुनिया देश ही नहीं, दुनिया की पर्सनालिटी है पूरी। हम बात करेंगे अब इनकी शादी किससे होती है, तो आप देखेंगे कि कस्तूरबा गांधी, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम है, आप इन्हें देख सकते हैं इनका। और अब हम बात करें कि जो इनकी शादी हुई थी कस्तूरबा गांधी से, तो इनके गांधी जी के बच्चे कौन कौन से थे, इनके बच्चों का नाम, पहला नाम आएगा हरिलाल गांधी, आप देखेंगे हरिलाल गांधी इनके जो नाम था, दूसरा जो थे दूसरे थे मणिलाल गांधी, और इनके पुत्रों के नाम में किनके, गांधी जी के, और तीसरे नाम में आएंगे रामदास गांधी। कोई संतान इनकी नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब इनकी शादी या संतान नहीं थी, याद रखिएगा, मतलब कोई संतान नहीं का मतलब है कि इनकी शादी हुई थी। देवदासी देवदास गांधी आप देखेंगे, और लक्ष्मी गोद ली हुई बेटी, इन्होंने लक्ष्मी को गोद लिया हुआ था, इन्होंने इनके जो पुत्र थे, तो इनके देख सकते हैं कि चार पुत्र थे, और आप देखेंगे इनमें नाम आता है हरिलाल गांधी, तो शांति हरिलाल गांधी पोती हैं इनकी। आप इनके वंशज में फिर थोड़ा सा मिसकैप किया गया है, मेन मेन पर्सनालिटी दिखाई गई हैं, तो मणिलाल गांधी को देख सकते हैं कि इनका जो है अरुण मणिलाल गांधी इनके पोता हुए, और मणिलाल गांधी के ये, और इला मणिलाल गांधी इनकी पोती हुई थी। आप देखेंगे जो अरुण मणिलाल गांधी हैं इनके जो परपौत्र हुए हैं, अगर हम इनके कहें गांधी जी के संदर्भ में कहें, तो ये तुषार अरुण गांधी गांधी जी के परपौत्र हैं। तो कहीं ना कहीं दो या तीन पीढ़ियों को हम जान रहे हैं इसके साथ, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे देवदास गांधी, तो देवदास गांधी में देख सकते हैं गोपाल कृष्ण देवदास गांधी इनके पोता हुए थे, किनके, मोहन चंद करमदास गांधी, फिर राजा मोहन देवदास गांधी इनके पोता हुए थे जो, तो आप देख सकते हैं कि रामचंद्र देवदास गांधी इनके भी पोता हैं। आप देखेंगे इनमें रामचंद्र देवदास गांधी में आप देखेंगे ये लीला रामचंद्र गांधी इनकी परपौत्री थी, ये परपौत्री जो लिखे होंगे पोता, ये सब गांधी जी से आप जोड़ेंगे, ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गांधी जी की जो फैमिली ट्री किस तरीके से आगे बढ़ी हुई है कौन, और आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ बताया हुआ अच्छा लगा होगा, गांधी जी के बारे में आप कुछ चीज़ों को और जानने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।